अस्सलामुअलैकुम। कतर इंटरनेशनल स्कूल्स में पाकिस्तानी मेल फीमेल्स के लिए जॉब्स आई हैं जो कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने का तरीका क्या है और इसमें सैलरी पैकेज आपको क्या मिलेगा, आपको कौन से सब्जेक्ट के मर्द और ख़वातीन इन जॉब्स में अप्लाई कर सकेंगे, छोटी सी वीडियो वॉच करने से बड़ी अपडेट आप जान सकेंगे। और दीगर कतर की और भी वैकेंसीज हैं जिनकी तफसीलात की डिटेल जानने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल वर्से ऑनलाइन पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा दें। आपको बैरून किसी भी मुल्क के वीज़ों जॉब्स की इन्फॉर्मेशन की तफसीलात की डिटेल्स के साथ गवर्नमेंट अदारे की जो भी अपडेट आती हैं उनकी डिटेल्स से भी सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए अपडेट दी जाती हैं। सेज ऑप्शनिटी वेबसाइट का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन से ओपन करने के बाद एडवर्ट ट्रांसमोड का मुकम्मल तरीका जान सकते हैं, जहाँ पे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करने से आपको डिटेल्स की अपडेट मिलेंगी। आप यहाँ पे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करने से तमाम तफसीलात की डिटेल जान सकते हैं, जिसे आने के बाद कतर पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल जॉब का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा, जिसे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डिटेल्स दीगर कंट्री की भी अप्लाई के मेथड के साथ बताई जाती हैं। ये लिंक ओपन करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे, जो यहाँ पे पहले आपको कतर इंटरनेशनल स्कूल्स की डिटेल्स मिलेंगी। बायोलॉजी केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स के जो मर्द और ख़वातीन हैं जॉब इन दोहा कतर के कैपिटल सिटीज़ में असामियाँ हैं, इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। एडवर्ड ट्रांसमेंट पर आकर के पहले इसकी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लें। बायोलॉजी के लिए कौन सी ब्रांच में वैकेंसीज हैं, केमिस्ट्री के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए इसमें आपकी मास्टर क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए 30 साल से लेकर 45 साल तक के मर्द और ख़वातीन के लिए एक्सपीरियंस पर्सन को ज़्यादा प्रेफर दी जाएगी। अप्लाई करने के लिए 29 सितंबर 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको लिंक जो सा अप्लाई का फॉर्म ये वाला क्लिक किए गए बटन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाएगा, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। मैं क्लिक किए गए बटन पर क्लिक करता हूँ, मेरे पास ये पेज कुछ इस तरह से ओपन होकर आ जाता है। सबसे पहले आप अपना ईमेल यहाँ पर टाइप करेंगे, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उसको लिंक पे क्लिक करें। आईडी कार्ड नंबर लिखें, याद रखें आईडी कार्ड फ़ोन नंबर लिखें, फ़ोन नंबर आपका वो होना चाहिए जिस पे व्हाट्सएप भी बना हो। अपना फुल नेम टाइप करें जो आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है। मेल फीमेल जो अप्लाई करना चाह रहे हैं उसको सेलेक्ट करें और डेट ऑफ बर्थ आपने वो सेलेक्ट करनी है जो आपके आईडी कार्ड पे ही लिखी हुई है। यहाँ पे आके अपनी एज भी मेंशन करनी है कि आपकी उम्र कितनी है, और यहाँ पे आपके सीएनआईसी नंबर, अपना आईडी कार्ड नंबर आप यहाँ पर मैंशन करेंगे। आईडी कार्ड मैंशन करने के बाद यहाँ पर सीएनआईसी एक्सपायरी, यानी कि आपका आईडी कार्ड कब एक्सपायर हो रहा है उसकी डिटेल्स आपको मिलेंगी। इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप जब यहाँ पे आके अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर लेंगे तो आपने यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर भी देना है। ज़ाहिर बात, कतर में आप जॉब करने के लिए जाना चाहते हैं तो आपके पास पासपोर्ट भी वैलिड होना चाहिए, और यहाँ पे आपने एक अपने पासपोर्ट की कॉपी भी अटैच करनी है और नेक्स्ट पेज पर जाके इस फॉर्म को फिलअप करना है, जिसमें एजुकेशन के साथ अपनी आपको डिटेल्स भी सबमिट करनी होगी। कतर में जो ये वैकेंसीज़ आई हैं स्कूल्स की, इसमें अप्लाई करने के लिए पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है, और अगर आप चाहते हैं टीचिंग के अलावा दीगर असामियों में अप्लाई करें तो सेज ऑप्शनिटी वेबसाइट ओपन करने से ही आपको कतर जॉब फॉर पाकिस्तानी का लिंक भी मिल जाएगा, जिसे ओपन करने के बाद आप इस पेज पर आके डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जान सकेंगे, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन सेक्टर्स के साथ दीगर और भी असामियाँ हैं जिनमें अप्लाई करने के मुकम्मल मेथड के साथ यहाँ पर इसमें बेनिफिट्स क्या मिलेगा और किस किस पोस्ट के लिए कितना सैलरी पैकेज और किस पोर्टल के जरिए जो असामियाँ उनकी डिटेल्स मिलेंगी। इन पोस्ट में अप्लाई किया तक सर्विसेज लेने के लिए 03090001982 के जरिए रब्ता करें, और इन वैकेंसीज के साथ इन पोर्टल के जरिए भी आप अप्लाई की तफसीलात की डिटेल जान सकते हैं। सेज ऑप्शनिटी वेबसाइट के जरिए मजीद आपको इंटरनेशनल लेवल्स पर वैकेंसीज की तफसीलात की डिटेल्स बताई जा सकें। हमारी वेबसाइट सेज ऑप्शनिटी वर्ड से ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा के रखें, ताकि मजीद अलर्ट जो भी हों इस YouTube चैनल के ज़रिए आपको तफसीलात की डिटेल से सबसे पहले अपडेट रखा जा सके। अल्लाह हाफिज़।